नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा खास शो अब की बार आर पार। अब की बार 400 पार के पहले एपिसोड में आपने देखा 400 पार का फॉर्मूला आखिर कैसे डिकोड हो रहा है। आपने वो वजह जानी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अब की बार 400 पार ही क्यों चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी के लिए 370 सीटों और एनडीए के लिए 400 सीटों की बात करते हैं तो इससे ये भी होता है कि वो सहयोगी दलों से करीब 30 से 35 सीटों की उम्मीदें ही कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये सीटें आएंगी कहां से? बीजेपी और एनडीए इन सीटों की उम्मीद कर रही है उन इलाकों से जहां 2019 के चुनाव में थोड़ी कसर रह गई थी। इनमें सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक भरना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। कैसे, देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें 25 सीटें जीती। 2014 में मुजफ्फरनगर बीजेपी की धुआंधार जीत का एपिसेंटर बना। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद चुनाव एक तरफा हो गया था और बीजेपी को पश्चिमी यूपी ही नहीं पूरे यूपी में बंपर विजय मिली थी। खैर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां 27 में से 19 सीटें ही मिली। इसकी बड़ी वजह यह थी कि 2019 में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, जयंत चौधरी भी साथ नहीं थे। अब जयंत चौधरी साथ हैं तो बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 27 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। शिवेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और खासतौर पे अभी मायावती के एकला चलो फॉर्मूले के बाद आप किस तरह का समीकरण देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, कई तरीके के जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिसमें यूपी की एक बड़ा पॉकेट ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, 27 सीटें हैं और वो सीटें बेहद अहम इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर किसानों की जो नाराजगी थी वो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती थी। जयंत चौधरी को अपने साथ मिला करके और ठीक पहले उनके पिता को, उनके दादा को, उनके परिवार वाले लोगों को सम्मान दे करके जो बीजेपी ने किया है उनको साधने की कोशिश की है, एक तरीके से किसानों को मिलाने की, और उन सीटों को जीतने का लक्ष्य रख लिया जो सीटें उनके लिए बेहद अहम नंबर बढ़ा सकती थी। और इसी तरीके से जैसे मायावती की बात आप कर रही हैं तो मायावती को एक तरीके से साइलेंट मोड पर बीजेपी ने लाया है, वो इसलिए ताकि वो काम तो करें लेकिन जो काम उनका फायदा दे रहा है वो मायावती को फायदा चाहे दे या ना दे लेकिन विपक्ष को नुकसान पहुंचाए, यानी वो सीट पे हर सीट पे वोट काटने का काम करेंगे और ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आपको लगता है कि मायावती विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत से आप देखिए ना, मायावती के जो तेवर है, जो तरीका है, वो ऐसा है ही नहीं जो लोकसभा चुनाव में होता है। और लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मायावती जितने साइलेंट तरीके से चुनाव लड़ रही हैं वैसा कभी नहीं लड़ी। हालांकि पिछले 5-7 सालों से मायावती ऐसे ही साइलेंट है लेकिन जो इस बार इक्वेशन है कि अकेले चलेंगे, उन सीटों पे उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़े किए जहां पर उनका जनाधार है, तो यानी वो केवल और केवल इस पे फोकस कर रही हैं कि जो विपक्ष के खाते में जा सकता था वोट उसको काटने का काम करें, और ये बीजेपी के लिए फायदे की बात है। बिल्कुल, तो बीजेपी ने मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विजय का शंखनाद भी कर दिया है। चुनाव के पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में है। प्रधानमंत्री लोगों को ये याद दिला रहे हैं और 400 पार की उम्मीद में पहली ईंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगने वाली है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वोटिंग है। सबसे पहले तो अगर आप हम लोग अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को हटाकर अरुण गोविल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि ये बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है? देखिए, बीजेपी ने इस बार हर एक सीट पर कोई ना कोई रणनीति जरूर बनाई है। मेरठ के जो सीट है, हालांकि बाद में खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको लेकर के, अरुण गोविल को लेकर के लोग बहुत खुश नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है, 3 बार के जीते हुए वहाँ के सांसद हैं, उनका जनाधार है, उनके लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करेंगे। लेकिन देखिए इस बार क्या हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, वो एक प्लस पॉइंट है। और जो अरुण गोविल हैं वो राम का चेहरा रहे हैं, सालों साल तक लाखों करोड़ों लोग उनको श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, एक तो वो इमेज साफ क्लीन इमेज भी है। दूसरी बात, बीजेपी नहीं चाहती कि एंटी इनकम्बेंसी जहाँ भी बन सकती हो वहाँ सब जगह वो उससे पार पाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने नया चेहरा दिया और ऐसा क्लीन चेहरा दिया जिसको मास में लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके साथ भावनाएं भी जुड़ी हो सकती हैं। अब इसको कितना बना पाते हैं बात अलग है लेकिन ये एक रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है। अभी हम लोग बात जयंत चौधरी की कर रहे हैं तो जयंत चौधरी के आने से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है क्योंकि अभी आप देखिए गाजियाबाद में जो हुआ, गाजियाबाद में बीजेपी के 15 साल पुराने नेता और राजपूत कम्युनिटी में अच्छी पैठ रखने वाले पुंडीर
वो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आपको दिख रही है यहाँ पर? देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज की तारीख में देखिए मोदी तो एक ब्रांड है, लेकिन उसके बाद जितने भी नेता हैं वो सब कद्दावर ही नेता हैं, और उसके अलावा जो बाहर से जिन भी लोगों को लिया जा रहा है, छोटे छोटे घटक दलों को छोड़ दीजिए, तो जितने भी हैं सब वो अपने अपने मामले में रसूख रखते हैं, और इनको ला करके अभी सीट जो टारगेट रखा है 400 पार, उसको पार पाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जब जीत के आएंगे, किस तरह के निगोशिएशंस होंगे, क्या समीकरण बनेंगे, किसकी मदद लेंगे नहीं लेंगे, ये बीजेपी में को बखूबी आता है, और बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े मंत्रियों को उन्होंने बिठा दिया, तो ये जो घटक दल हैं उनकी क्या उस वक्त इक्वेशन होगी, कितनी किसकी सीटें होंगी, उसके आधार पर तय होगा, तो ये बीजेपी के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी मुश्किल रहने वाली है। अच्छा, मेरठ से चुनाव प्रचार शुरू करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद लकी रहा है। मोदी ने 2014 का चुनाव प्रचार मेरठ से शुरू किया था, 2019 का चुनाव प्रचार भी मेरठ से शुरू किया, और 2024 का चुनाव प्रचार भी मेरठ से। तो मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहाँ की हुंकार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है। मेरठ में करीब 34,44,000 वोटर्स हैं, मेरठ में 62% हिंदू वोटर्स हैं, तो 33.9% मुस्लिम। मेरठ में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आपको क्या लगता है मेरठ में जैसे अभी हमने बोला कि राजेंद्र अग्रवाल को हटाकर अरुण गोविल को लाना, और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी इसमें, आप देखिए चाहे बीजेपी की बात करिए, सपा बसपा की बात करिए, पहले जितने भी कैंडिडेट्स थे सब वहां सब नए ही थे, जो चुनावी मैदान में नए थे, और दूसरा ये था कि सभी वहां के रहने वाले नहीं थे। हालांकि अब सपा ने तो बहुत बार फेरबदल किया, भानु प्रताप सिंह, फिर अतुल प्रधान, और उसके बाद सुनीता वर्मा। बिल्कुल, देखिए जितनी भी विपक्षी टीमें हैं या जिनको दल कहें, उन लोगों के मन में एक अफरा तफरी तो इस बात की है, क्योंकि एक एक सीट को लेकर के बीजेपी समीकरण बना रही है, और किसी भी एक सीट पर चूकना मतलब विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी हो जाना। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ा दल है, और उस दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आप की उस कद को बनाए रखे, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि जिस तरह की सीटें आने की संभावना है उसमें आत्मविश्वास कर ले। 3-3 बार सीट चेंज करना है, एक तरफ तो ये दिखाता है कि अंदर ही कितनी मुश्किल है तय करना कि अरुण गोविल के सामने किसको खड़े करें, यानी उन्होंने जो रणनीति बनाई है ठीक है, और उससे टक्कर देने के लिए ये भी बार बार अपनी रणनीति बदल रहे हैं, और केवल एक ही जगह नहीं हुआ है, ये कई जगह हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके और जो साथ में हैं इंडिया अलायंस में, उन सब के सामने ये चुनौती है कि हम हर एक कदम पर ऐसे लोगों को रखें जो कि कम से कम नहीं जीते तो चुनौती तो इतनी दे सकें कि इनका 400 पार का जो नारा है वो ना हो पाए। इसीलिए अभी तक अमेठी रायबरेली में पेट फंसा हुआ है, इसीलिए पश्चिम की और कुछ सीटें जो पहले थी जो लास्ट में तय हुई, ये मेरठ की सीट में तो 3-3 बार बदलाव हुआ, आपस में जो शेयरिंग थी, सीट शेयरिंग थी, उसमें भी बहुत बहुत मान मनोवल हुई, बहुत बहस हुई, उसके बाद सीटें शेयर की गई ताकि जो उस 400 पार के नारे को विपक्ष डैमेज करना चाहता है वो कर पाए, क्योंकि कमोवेश ये तो लगता है कि बीजेपी की तमाम जो रणनीतियां हैं वो सीटें तो ज्यादा ला ही देगी। सुनीता वर्मा को लाकर आपको लगता है कि सपा ने एक अच्छी चाल चली है, सुनीता वर्मा मेयर भी रह चुकी हैं, लेकिन आपस में एक अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, फिलहाल अभी पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात है, क्योंकि किसी भी पार्टी में जब कोई कैंडिडेट तय करता है उससे पहले से वो तैयारी शुरू कर देता है, और कुछ कुछ बहुत अवश्यंभावी यानी पहले से मान के चलते हैं कि उनको टिकट तो मिलना ही है। कम से कम बीजेपी में भले ऐसा ना हो, क्योंकि बीजेपी तो किसी भी क्षण बदल देती है, लेकिन जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं अगर आपस के जो सीट बंटवारे के समीकरण को छोड़ दें तो जहां जो तय था वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तैयारियों के बाद इस तरह होता है तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेटवर्क के लोग, खुद नेता सब निराश ही नहीं होते। इसीलिए जब सुनीता वर्मा का टिकट फाइनल किया गया उससे पहले जो थे उनको नाराजगी उनके सामने देखने को मिली, अखिलेश यादव ने बुलाकर उनको समझाया, फिर चेंज हुई, तो इस सबका असर रिजल्ट्स में भी आता, क्योंकि उसके कार्यकर्ता भले ही पार्टी कितनी बड़ी बातें कर ले लेकिन कार्यकर्ता उतने मन से लगते नहीं है। मेरठ के जाति समीकरण की बात करें तो मेरठ में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, और ये चुनावी नतीजों को बदलने का मादा रखते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 5.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम और दलित वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम और दलित वोटर्स के बाद यहाँ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद वैश्य मतदाता आते हैं, जो करीब 2.5 लाख हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस जाट वोट के दम पर RLD यहाँ अपना दबदबा बताती है वो 5वें नंबर पर आते हैं, और इनकी संख्या करीब 1 लाख है। लेकिन जाट मतदाता और नेता यहाँ के हर चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाते हैं।
तो आप अब आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो किस तरह के नतीजों की आप इस बार अपेक्षा कर रहे हैं? हालांकि बीजेपी अगर आप 91 के बाद से देखिए तो 8 में से 6 बार जीत चुकी है। देखिए यहाँ पर चाहे क्वेश्चन जो भी हो, 1 लाख जाट मतदाता है, नंबर उतने बड़े नहीं जितने मुस्लिम के और दलितों के हैं, लेकिन क्या है कि बीजेपी ये मानती है इस बार, हालांकि दलितों को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे सम्मेलन, बहुत सारी यूनिट्स को उन्होंने सक्रिय किया, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ तौर पर है कि वो ये जानते हैं मुस्लिम मतदाता उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला, इक्का दुक्का को छोड़ करके, कुछ कानून कहते हैं वो कि उससे खुश हैं वो लोग बहुत और आ सकते हैं दबे छुपे, लेकिन बड़े नंबर पे नहीं आने वाले। दलित जो मतदाता है उसको वो कांग्रेस में भी जाता है, वो समाजवादी पार्टी में भी जाता है, और मायावती तो वहाँ वोट काटने के लिए ही हैं। तो ये जो बंटवारा होगा ये विपक्ष में ज़्यादातर हो जाएगा। ऐसे में कौन से वोटर हैं जो बीजेपी के पास बल्क में आ सकते हैं, इस पर आई किया। इसीलिए जयंत चौधरी के साथ न सिर्फ उन्होंने टाई अप किया बल्कि इतना उनको खुश करने की कोशिश की कि वो जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी संतुष्ट हो जाए, और वो 1 लाख वोटर जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। नहीं, क्योंकि आप देखिए 2014 में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद के चुनाव में आधी सीटें कट गई थी। देखिए वो किसानों के मामले थे, जाट में वही, एक तो वही फिर से बात आ गई, मुस्लिम फैक्टर, जो मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जाता, दलित मायावती के साथ जा रहा था क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने पिछली बार काफ़ी असर डाला था। इसके अलावा जो जाट थे, जो साथ में किसान थे, वो लोग जो जयंत चौधरी के साथ थे वो सब एक तरीके से छिटके हुए थे बीजेपी से, और उसका असर बड़े नंबर पर सीटों के साथ देखने को मिला था। उसी सब को साधने के लिए उन 27 सीटों पर बीजेपी ने सारी रणनीति बनाई है कि किसको लाना है, किसको वहां से हटाना है, या फिर किस तरह की सीट डिसाइड करनी है। तो मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ कायम रखी है। पिछले 8 चुनावों में 5 बार बीजेपी यहां से विजयी रही है, जिनमें 2014 और 2019 भी शामिल है, लेकिन इस बार बीजेपी ने मेरठ से अपने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने मेरठ से 80 के दशक में रामानंद सागर वाली रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। अब मेरठ में किन किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, आइए आपको बताते हैं। अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी बेहद कंफ्यूज रही। सुनीता वर्मा से पहले सरधना के समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया था। अतुल प्रधान को सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनका भी टिकट कटा और सुनीता वर्मा उम्मीदवार बनी। वहीं बीएसपी ने देवदत्त त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार आपको क्या लगता है, मेरठ में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा या फिर प्रधानमंत्री जो बार बार विकास के बयार की बात कर रहे हैं वो? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर अपनी रैली में विकास की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, और उससे भी ज्यादा विपक्ष पर भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर के प्रहार करते हैं, लेकिन मेरठ में इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कई मायनों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ पर लोगों की समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन इम्पोर्टेंट समस्याओं में चाहे वो किसानों की समस्या हो, MSP की बात हो, या किसानों को लाभ दिए जाने की बात हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। उस इलाके के डेवलप किए जाने की भी बात होती है क्योंकि वो दिल्ली NCR से अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं या दिल्ली से सटी हुई योजनाएं मिलती हैं आसपास के क्षेत्रों को, वो कैसे मिले उन पर बात होती है। तो ये सब मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी बात करती है, खासकर नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो इन सब मुद्दों पर जरूर छूते हैं ताकि कम से कम उनको ये वादा करने में आसानी रहे कि वो आगे भविष्य में क्या करेंगे, कैसे सूरत बदलेंगे। और आपने हमेशा देखा होगा, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, या फिर अब ये होने जा रहा है, इस चुनाव, हर चुनाव में मोदी आगे के 5 साल के बारे में बात करते हैं कि इस बार सरकार आई तो अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। तो जो विकास का खाका खींचते हैं या जो बात करते हैं, जो सपने दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी से कनेक्ट करते हैं, और उसको उम्मीद जगती है कि अगर बीजेपी आएगी तो उनको ये फायदा होगा। और ये जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे लोगों को राशन के मुद्दे हैं या गरीबों के उन्मूलन की बातें हैं, ये सब मास में अपील करती है, एक दो लोगों को असर नहीं डालती है। और ये वही आदमी कर सकता है जो सत्ता में बैठा हुआ, जो इस मजबूती के साथ बात कह पाता हूँ। लेकिन शिविर, राजेंद्र अग्रवाल को हटाकर अरुण गोविल को लाना, अभी हम लोग इसके पहले भी बात किए थे, तो आपको लग रहा है कि क्या अरुण गोविल जो है पर्दे का अपना स्टार्डम ग्राउंड पर भी दिखा पाएंगे? देखिए यहाँ पर मेरठ की गलियों में वो ये दिखा पाएंगे? देखिए यहाँ पर दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो बीजेपी ने दो तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई है जो समझ में आता है। एक तो पूरा का पूरा चुनाव वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, कैंडिडेट कोई भी हो, वहाँ बात मोदी की होती है, उनकी रैली होती है, उनकी
बातें पहुंचती हैं और वही सब सामने आता है। दूसरा फैक्टर यह है कि यहाँ पर और मजबूती लाने के लिए अरुण गोविल को ला करके बीजेपी ने दिखाया है कि वो हिंदुत्ववादी चेहरा है, भगवान राम से जोड़ करके उन्होंने लोगों की भावनाओं को भी बांधने का कोशिश किया है। और अरुण गोविल को लेकर के हालांकि कई जगहों पर विरोध भी है क्योंकि नहीं, लेकिन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेरठ में दलित और मुस्लिम ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि अरुण गोविल वहां पर अपना कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, अरुण गोविल का केवल कमाल काम नहीं करेगा, वो उनको लाना कई और मायनों में जरूरी था शायद बीजेपी के लिए, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल को लेकर के बहुत सारी इंटरनल शिकायतें थी, एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट भी थी। दूसरी बात ये थी कि वो किसानों का जो मुद्दा था उससे स्थानीय नेताओं से लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं कि हमारी बात को पहुंचाया नहीं, हमारे मुद्दों को बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से हमें फायदा नहीं मिला। अरुण गोविल एकदम फ्रेश चेहरा है, उनसे भावनाएं जुड़ी हैं, चाहे वो दलित हों, भले ही मुस्लिम उनको इस तरह न देखें, लेकिन वो भी एक न्यूट्रल की तरह काम करेंगे। और जो दलित है, आपको वो वक्त याद होगा कि जब रामायण सीरियल आता था उस वक्त जब भगवान राम के रूप में अरुण गोविल आते थे, तो वो किसी भी तबके का इंसान हो, चाहे वो हिंदुओं में दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे जो हो, उनको भगवान राम के रूप में देखते थे। और वो जो उस दौर के जो लोग हैं आज भी उस तरीके से कनेक्ट करते हैं बहुत जगहों पर। ये बात भी सच है कि अरुण गोविल उतने जमीनी नेता नहीं है, उतना कनेक्ट नहीं है और उतने मुखर नहीं है जिस तरह से नेताओं को होना चाहिए। तो इन सब का फैक्टर भले ही नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी की पूरी विसात बिछाई गई है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और उसमें प्लस पॉइंट अरुण गोविल का। मेरठ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा की हॉट सीट मेरठ पर सबकी नजर है। मेरठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को न सिर्फ ये सीट जीतनी है बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 में जो कमी रह गई थी उसे भी पूरा करने के लिए मेरठ से माहौल बनाना है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य तो 400 पार जाना है। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। हमने मेरठ के बीजेपी उम्मीदवार और टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अब की बार आर पार के अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।